महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले विरार पश्चिम में स्थित है साईं बाबा का भव्य मंदिर, जहां हर साल की तरह इस साल भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साईं बाबा का दर्शन किया। इस मौके पर बॉलीवुड फिल्म जगत की कई हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। दरअसल हर साल फरवरी महीने की 12 तारीख को विरार पश्चिम में श्रद्धा सबुरी के प्रतीक साईं बाबा का वर्धापन दिवस मनाया जाता है। लोगों की आस्था से जुड़े साईं बाबा का वर्धापन दिवस मनाना वसई विरार वासियों के लिए एक परंपरा सी बन गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनकी पूरी टीम का विशेष रूप से सहयोग होता है। इस मौके पर यहां महाभंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दूर से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु महाभंडारे का लाभ लेते हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोविंदा ने भी हर साल की तरह इस साल भी विरार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साईं बाबा का दर्शन किया। वैसे आपको बता दें कि साईं भक्त गोविंदा कभी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तभी से वो ऐसे कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। इसके अलावा मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता माली भी इस खास मौके पर मौजूद रही। बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा ही अच्छा। विरार बहुत पसंदीदा है यहाँ का। एक तो जो नेचर है और फूड कल्चर है बहुत ही बढ़िया है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप पहली बार आए इस प्रोग्राम में? जी नहीं, हाँ इस प्रोग्राम में पहली बार आई हूँ। विरार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मंदिर भी इतना प्रसन्न है, बहुत ही अच्छा है, और इतने सारे लोग आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, तो अच्छा लगता है देखते हुए। ओम श्री साईराम मंदिर ट्रस्ट च्या माध्यमातून विविध सहयोगी संस्था या भंडाऱ्यामध्ये एकत्रितपणे भंडारा सेवेसाठी येत असतात आणि नागरिकांना याचा लाभ मिळत असतो। विविध सिनेसृष्टीतील कलाकार सुद्धा इथे येऊन गेलेले आहेत आणि अनेक कलाकार यायचे आहेत। मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून व्ह्यूअर्सना विनंती करतो की ह्या साई भंडाराचा लाभ घ्यायचा आहे आणि दर्शनाचा लाभ घ्यायचा आहे। धन्यवाद। ओम सराईधाम। आज का जो प्रोग्राम है ये 37 वाला हमारा वर्धापन दिन है। साई बाबा का जो स्थापना होने के बाद लाखों भक्त इस 12 फरवरी को बहुत आतुरता से राह देखते हैं, और भारत अपना वसई तालुका का और पालघर का और पूरा मुंबई से अलग अच्छे अच्छे लोग दर्शन करने को यहाँ आते हैं। तो तकरीबन लाख लोगों के ऊपर ही लोग उसका दर्शन करके उसका प्रसाद का लाभ लेते हैं। ओम श्री साईनाथ वर्धापन दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर से पुणेरी ढोल, पालकी नृत्य और लेजिम जैसे नृत्य शामिल थे। 12 फरवरी की सुबह सुबह साईं बाबा की सबसे पहले आरती विधि विधान तरीके से की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ साईं के दर्शन के लिए विरार पश्चिम के इस भव्य मंदिर में उमड़ पड़ी। शाम होते होते भक्तों का साईं के दरबार में तांता लग गया। मंदिर के ट्रस्टी ने यहां पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वसई केबल के सिग्नेट नेटवर्क पर किया गया, ताकि जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकते थे उन्हें अपने घर में ही भव्य कार्यक्रम का दीदार हो सके। भंवर चौहान के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, विरार।